टोक्यो ओलंपिक में बुधवार का दिन भारत के लिए कुछ अच्छी तो कुछ बुरी खबरों वाला रहा। शुरुआत अच्छी खबरों से करें तो इसमें सबसे बड़ा नाम रवि दहिया का है। रवि दहिया टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में पहुंच गए हैं। रवि दहिया ने सेमीफाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान के नूरिस्लाम सनायेव को हराकर भारत के लिए रजत पदक पक्का किया। पहले ब्रेक के समय तक रवि ने 2-1 की लीड हासिल की हुई थी, लेकिन फिर वो पिछड़ गए। एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि रवि 2-10 के आंकड़े से मुकाबले में पिछड़ रहे थे, लेकिन रवि दहिया ने चुनौती स्वीकारी, जबरदस्त वापसी की। पहले वो मुकाबले को 5-9 तक लेकर आए और फिर उन्होंने पासा ही पलट दिया। उन्होंने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए अपने विरोधी को चित करके फाइनल में अपनी जगह पक्की की। टोक्यो में जीत के साथ ही हरियाणा के सोनीपत में स्थित रवि दहिया के घर पर जश्न का माहौल है। रवि दहिया कुश्ती में ओलंपिक पदक हासिल करने वाले भारत के 5वें पहलवान होंगे। उनसे पहले सुशील कुमार ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य और लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक हासिल किया था। लंदन ओलंपिक में ही योगेश्वर दत्त ने भी कांस्य पदक जीता था। वहीं 2016 के रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने भी कांस्य पदक हासिल किया था। टोक्यो में आज एक और मुकाबले पर सभी की नजरें बनी हुई थी। वो था महिला हॉकी का सेमीफाइनल मुकाबला, जहां भारत का सामना अर्जेंटीना से हुआ। भारतीय महिला टीम ऑस्ट्रेलियाई टीम को मात देकर यहां पहुंची थी और उनके खेल में उस जीत का जुनून साफ दिखाई दे रहा था। भारत ने पहले क्वार्टर में ही पेनल्टी कॉर्नर के जरिए 1-0 की बढ़त बना ली थी, लेकिन इसके बाद अर्जेंटीना की टीम ने अपनी गति और हमले बढ़ाते हुए वापसी की और स्कोर को 2-1 करने में कामयाब रही। अंतिम पलों तक भारतीय महिलाएं अर्जेंटीना के गोल पोस्ट में गेंद को डालने की कोशिशें करती रहीं, लेकिन वो स्कोर में कोई फेरबदल नहीं कर सकीं और उन्हें 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि अभी भारतीय महिलाओं के पास कांस्य पदक जीतने का मौका है, जिसके लिए उनका मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन की टीम से होगा। वहीं पुरुष हॉकी की बात करें तो उन्हें भी सेमीफाइनल में बेल्जियम से हार का सामना करना पड़ा था। भारत की पुरुष टीम कांस्य पदक के लिए जर्मनी का सामना करेगी। टोक्यो में भारत के नाम अभी तक कुल 3 पदक हुए हैं, जिनमें वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू का रजत पदक, बैडमिंटन में पीवी सिंधु का कांस्य पदक और बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन का कांस्य पदक शामिल है।